नीट केमिस्ट्री फ्यूचर में सबसे मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट होने वाली है, क्योंकि यही एक ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर हम थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स, रिएक्शंस, खूब सारे एक्सेप्शंस, सब कुछ पढ़ते हैं। अगर आप पिछले 5 साल का डेटा देखो तो 5 साल में फिजिक्स और बायोलॉजी के पेपर कभी बहुत आसान आए, कभी बहुत टफ आए, लेकिन किसी भी साल ऐसा नहीं हुआ कि केमिस्ट्री का पेपर खूब आसान आया हो। केमिस्ट्री का पेपर हमेशा उसने एक लेवल मेंटेन करा है, तो इसीलिए केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना पॉसिबल तो है, बट बच्चों का खेल नहीं। अगर आपने मेरे बताए हुए हर एक स्टेप को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपके लिए केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना आसान हो जाएगा। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अंजलि सिंह, योर नीट केमिस्ट्री एडुकेटर। सबसे पहली चीज आप मुझे बताओ कि आप केमिस्ट्री में कौन से पोर्शन में सबसे ज्यादा वीक हो। ऐसा कहते हैं ना, हम अपनी वीकेस्ट पार्ट को जब स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना तो फिर सब्जेक्ट हमारे लिए आसान हो जाता है। तो सबसे पहले अपनी वीकनेस पहचानो। क्या आप रिएक्शंस याद नहीं रख पाते, कांट रिमेम्बर रिएक्शंस? क्या आप बार बार चीजों को भूल जाते हो? बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं भूलते हैं, पढ़ते हैं भूलते हैं, क्या आप उनमें से हो? या फिर हमें न्यूमेरिकल समझ नहीं आती, कांट अंडरस्टैंड दी न्यूमेरिकल्स। समझ में आ जाती है, फॉर्मूला देख लेते हैं, कंसेप्ट समझ में आ जाती है, बट उस कंसेप्ट का न्यूमेरिकल में कैसे इस्तेमाल करें ये पल्ले नहीं पड़ता। या तो आपका पूरा बाजा ही बजा हुआ है ऑल ऑफ दिस, हमें कुछ नहीं समझ में आता मैम, हम बिल्कुल लुल है, जीरो है केमिस्ट्री में। मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, आई वांट टू सी कि क्या क्या वीकनेस है आपके। अब बात करते हैं नीट केमिस्ट्री पेपर एनालिसिस की, कि कहां से क्या पढ़ना है कि हमारे 180 स्कोर आ जाए। सबसे पहले अगर मैं वेटेज की बात करूं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में, तो सबकी वेटेज इक्वल है। 60 मार्क्स फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं, 60 मार्क्स आते हैं आपके ऑर्गेनिक से, और 60 मार्क्स आते हैं आपके इनऑर्गेनिक से। मतलब तीनों को ही हमें इक्वल महत्व देना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैम इनऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनिक को छोड़ देते हैं, या ऑर्गेनिक पढ़ लिया फिजिकल को मारो गोली। तीनों को ही आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी जाकर आप स्कोर कर पाओगे। अब एक और क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है, मैम 11th के पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 12th के? याद रखिएगा, 11th से 45% क्वेश्चन आते हैं एंड आपके 55% क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 12th के सिलेबस से। मतलब यहाँ पर बोर्ड्स वाले बच्चों को फायदा होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या किसी दूसरे बुक से आते हैं? कितने बुक्स पढ़ने पड़ते हैं? क्या करना पड़ता है? यार एक बात दिमाग में डाल लो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही काफी है आपके केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर लाने के लिए। अगर एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, एक और सवाल, मैम आसान क्वेश्चन आता है, ट्रिकी आता है, क्या होता है? 40% क्वेश्चन ईजी आते हैं, 60% क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा लूप क्रिएट होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गलतियां करी हैं, तभी मैं आपको बता रही हूँ। उनके 80 से 90 नंबर इजीली आ जाते थे केमिस्ट्री के पेपर में, तो उन्हें लगता था ना फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गए, अरे 80-90 नंबर आ गए, मतलब केमिस्ट्री तो हमारी बहुत बढ़िया है, केमिस्ट्री में तो टेंशन ही नहीं है। यही सबसे बड़ी मिथ है, केमिस्ट्री का यही खेल है, 80 से 90 नंबर लाना केमिस्ट्री में आसान है। उसके बाद का जो जंप है ना 150, 160 स्कोर लाने में, 170 स्कोर लाने में, हवा टाइट हो जाती है लोगों की, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस ट्रिकी पार्ट में आते हैं। हमें जो फोकस करना है वो ट्रिकी पार्ट वाले क्वेश्चंस में करना है, बाकी ये 40% क्वेश्चन सारे बच्चे कर लेते हैं। तो अगर हमें अच्छा स्कोर करना है और रेस में सबसे आगे निकलना है, तो हमें ये 60% जो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन पर मेजर फोकस देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हमारी केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को कैसे पक्की करें। इस डायग्राम को देखो, क्या दिख रहा है यहाँ पर मैम? बड़ा सुंदर सा ग्लेशियर है, बहुत सही है। अच्छा, एक चीज जो आपको यहाँ पर नोट करनी है, ये जो ग्लेशियर है यहाँ पर इतना छोटा सा दिख रहा है ना, पतला सा दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, ये क्या है? यही आपकी एनसीईआरटी है। दिस इज योर एनसीईआरटी, और ये एनसीईआरटी के पीछे छुपी हुई डीप नॉलेज है। मुझे याद है मेरे टाइम पर मेरे जो केमिस्ट्री के सर थे वो एनसीईआरटी को बाइबल कहते थे, कि ये जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है ना, ये केमिस्ट्री की बाइबल है। ऐसा क्यों? जो हमारे स्पिरिचुअल बुक्स होते हैं, चाहे मैं भागवत गीता का एग्जांपल लूँ, कुरान की लूँ, बाइबल की लूँ, ये सब होते पतले से हैं, बट इनके अंदर अथार नॉलेज होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। ये सेम कंसेप्ट इस्तेमाल होता है हमारे नीट के केमिस्ट्री में। दिखती बुक है इतनी पतली पतली कि मैम इतने पतले पतले बुक्स ही तो रट जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, ऐसे करने से आपके नंबर नहीं आएंगे।
इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी आप केमिस्ट्री को अच्छे से याद भी रख पाओगे। जो प्रॉब्लम होती है ना, पढ़ते हैं भूलते हैं, इसका कारण ही यही है क्योंकि आपने इसको अच्छे से समझा नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको स्टेप्स बताऊंगी कि एनसीईआरटी को किस तरीके से हम मजबूत करें। एक बार हमें एनसीईआरटी पढ़नी आ गई तो फिर तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से याने, तो मतलब 180 और 180 स्कोर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको टीचर्स के लेक्चर्स देखने। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो सबसे पहला काम करिए, जाकर मेरे लेक्चर्स देखिए, या फिर आप किसी फलाना टीचर्स के पास पढ़ते हो, आप जाकर उनकी लेक्चर्स को देखिए, अच्छे से समझिए, एकदम शांत मन से आपके टीचर्स क्या कहना चाह रहे, क्या समझाना चाह रहे, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करिए। जब आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, आपके नोट्स बन गए, तो उन नोट्स को प्रॉपर टाइम देखकर रिवाइज करना है। हर एक चीज, हर एक लाइन का मीनिंग क्या है, कहां से उठ कर आया। जब आपने ये सारी चीजों को अच्छे से रिविजन कर लिया, तब हमें क्या पढ़नी है बच्चे, एनसीईआरटी। अब यहाँ पर पूरे चांसेस है, हो सकता है कि आपको 100% एनसीईआरटी अभी भी समझ में ना आए, तो डरना नहीं है। थर्ड स्टेप हमको क्या करना है, हमको एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाने हैं, हमको एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। इन दोनों जगह से क्वेश्चंस डायरेक्ट एमसीक्यू फॉर्मेट बनाकर पूछे जाते हैं हमारे नीट के एग्जाम में, तो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ऐप पर, अपने ऐप पर एनसीईआरटी इन चीज़ों से बनाकर एनसीईआरटी मॉड्यूल प्रोवाइड की है। अच्छा, इसके अलावा आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस लगा सकते हो, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने इसके भी क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी मॉड्यूल में ऐड करी है। अच्छा, जिन बच्चों के पास ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की पीडीएफ नहीं है, ये इसकी फ्री पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। जब आपने ये चीज़ें कर ली, इसके बाद हमें पीवाईक्यूज लगाने हैं अपने, है ना। अब जरूरी नहीं कि आप पीवाईक्यूज 36 इयर्स के लगाओ, आप चाहो तो 2019 से लेकर 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यूज हुए हैं, जो भी पेपर हुए हैं, री, नेट, मणिपुर, उड़ीसा, वो सारे पेपर्स आप यहाँ पर लगा सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप पीवाईक्यू लगाओ तो एक काम जरूर करना, आपको लगे कि ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के इस लाइन से उठ कर आई है। आप पीवाईक्यू लगाते वक्त एनसीईआरटी खोल कर रखना, आप देखना कि कौन से ईयर से जो क्वेश्चन है इस डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन से पूछी गई है, उन एनसीईआरटी के लाइंस को आप अंडरलाइन करना। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपका रिवाइज हो जाएगा, दूसरा जो फायदा होगा, बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ते वक्त ये प्रॉपर जज नहीं कर पाते कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, किस लाइन से किस तरह के सवाल आते हैं। ये मेजर प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस लाइन से इस तरह के सवाल फ्रेम हो सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी स्टेप है, ये ऑप्शनल है, ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अगर आपको लगता है इनफ कॉन्फिडेंस नहीं आ रही, आपको लगता है कि मैं एक और बुक लगाना चाहता हूँ या और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की इच्छा है, तो आप कोई सी भी एक अच्छी ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हो। जैसे मैं रिकमेंड करती हूँ एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स, आप खरीद सकते हो एमटीजी की, दैट इज अ गुड बुक, आप उसको लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपने इतने ही स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लिया, तो बाकी कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है इन ऑर्डर टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180, ओके। इसके साथ साथ जिन बच्चों ने अभी तक अपनी नीट की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है या ढूंढ रहे हैं कि हम कहां से अपनी तैयारी स्टार्ट करें, तो एकलव्य 2.0 आप आंख बंद करके ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन बैच है, लास्ट ईयर इन बैच से बहुत सारे बच्चों की सिलेक्शन हुई थी। तो इस बैच के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फेज 1, फेज 2, फेज 3, 3 फेजेस में ये बैच आपके कम्प्लीट कर रहे होंगे। सबसे फर्स्ट फेज आपकी 15 जुलाई से 31 जनवरी तक होगी, जहाँ पर हम लेक्चर्स, एनसीईआरटी मॉड्यूल क्या है हम आगे बात करेंगे, MEQ, Most Expected Questions and Monthly Test हम प्रोवाइड करेंगे आपको। फेज 2 में 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक आपको नीट की PYQ, JEE की PYQ, NCERT Chapter Test प्रोवाइड कर रहे होंगे हम। फेज 3 में 1 अप्रैल से लेकर 4 मई तक आपको 2160 क्वेश्चंस NCERT लाइन बाय लाइन फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम आपको कराएंगे, खुद बैठ कर कराएंगे, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लाइन से निकाल कर। इसके अलावा यार इतनी सारी चीजें मैं बोलकर थक गई हूँ, आपको वीकली मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी बाय अस, बाय योर टीचर्स। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे भैया दीदी बैठकर आपको प्रोवाइड कर रहे, बिल्कुल भी नहीं, आपके खुद के टीचर्स बैठकर आपको वीकली मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे। एक और फीचर यहाँ पर है, आपको आपकी पर्सनल अकेडमिक काउंसलर हर 14 दिन बाद कॉल कर रही होगी, आपसे पूछ रही होगी कि आपकी पढ़ाई क्यों ठीक चल रही है, ना बैकलॉग तो नहीं हुए ना, अगर हुए तो उसको ठीक कैसे करें वो आपको बता रही होंगी, टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे तो उसको कैसे इम्प्रूव करें वो आपको बता रही होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है।
अब यहाँ पर देखो, यही है आपकी एनसीईआरटी मॉड्यूल। अगर आपने सिर्फ इसी मॉड्यूल को 3 से 4 बार लगा दिया तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। ये मेरी एश्योरेंस, मेरी गारंटी है। यहाँ पर आप, अगर प्राइस की बात करूँ मैं, तो प्राइस यहाँ पर 3999 है। हमने पहले इसका प्राइस 4499 सोचा था, बिकॉज बहुत सारे फीचर्स हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टिल हमने बोला कि नहीं, बच्चों के लिए हम थोड़ा और कम करेंगे, तो हमने इसकी फाइनल प्राइस 3999 रखी। डाउनलोड कैसे करनी है, कैसे एक्सेस करना है, हाउ टू इनरोल में, आप यहाँ पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। क्वालिटी स्पीक्स कोटा फॉर एंड्रॉयड यूजर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए। एप्पल यूजर आप माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करके यहाँ पर ORG कोड लगाइए, FRHVG। और जो लोग लैपटॉप से वेब एक्सेस करना चाहते हो, वो web.classpassapp.com पर जाइए, वापस से आप सेम ORG कोड लगाइए FRHVG, और वहां पर जाकर आप हमारे बैच की एक्सेस को ले सकते हो। इसी के साथ दैट्स इट फॉर द वीडियो। और अगर आपको एकलव्य 2.0 के बारे में और डिटेल में जानकारी हासिल करनी है, तो इसका लिंक, डिटेल्ड वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। वहां पर हर एक चीज बैच के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट शीट्स, शॉर्ट नोट्स, ट्रिक्स, बुक्स, जितने इंपॉर्टेंट बुक्स है उनकी PDF सब कुछ प्रोवाइड की जाएगी। तो बैच लो या ना लो, नो मैटर, बट टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।